अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अच्छानी व्लॉग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और छुट्टी दी हुई है बच्चों को मजदूर डे की, और मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मजदूर डे है, लेबर डे है, आप छुट्टी करेंगे? तो कह रहे हाँ मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तुम काम कर लेना जाए। मैंने कहा ठीक है ठीक है भाई, हर वक्त आग के गोले फेंकने की ज़रूरत नहीं, कूल डाउन हो जाएं, शांत हो जाएं। बस बात वही है, हमारे यहाँ लेबर डे पे सबकी छुट्टी होती है, लेकिन बस लेबर की छुट्टी नहीं होती, मज़दूर की ही छुट्टी नहीं होती। वो बेचारा फिर भी काम पे ही होता है, और बाकी सब छुट्टी मना रहे होते जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं। तो बस हमें तो भाई मौका और बहाना चाहिए छुट्टी करने का। बात यही है, हम लोग तरसे हुए होते हैं कि हमें सुबह स्कूल के लिए ना उठना पड़े, हमें जल्दी शुक्र करते हैं कहीं हमें कोई वीक में एक छुट्टी मिल जाए। इवन के हाँ दो छुट्टियां ज़रूर होती हैं सैटरडे संडे की भी बच्चों की, लेकिन ये है कि छुट्टियां तो जितनी हो कम है। कि अभी जो है ना जून जुलाई की बच्चों को छुट्टियां मिल ही जानी है, क्योंकि आगे जून जुलाई यही महीना है स्कूल की, फिर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। और दूसरा छुट्टियों में भी बंदा ज़्यादा क्या तंग हो जाता है, बोर हो जाता है, बच्चे घर पे होते हैं, ये एक टाइम बना होता है, रूटीन बनी होती है, स्कूल फिर मदरसा फिर शाम में मम्मा के पास ट्यूशन पढ़े, तो ये मतलब सही रहता है। ऊपर से हसनैन लोगों की स्कूल की जो टाइमिंग है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि मतलब वो सुबह बेचारे 7:30 से लेकर पहले 1 बजे ऑफ होती थी, अभी 1:30 बजे की टाइमिंग कर दी है। तो इस कदर बच्चे बेचारे थक के नढ़ाल होके आते हैं कि मैं फिर मैंने इनके सर से जाके बात की, मैंने कहा ये तो गलत तरीके है कि आप मतलब बच्चे बेचारों को 1:30 बजे तक आप बिठा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 बजे की टाइमिंग सही थी। बोला नहीं अभी बड़ी क्लासेस में जा चुके हैं ये वो, भाई 4 क्लास कौन सी इतनी बड़ी क्लास है, मैट्रिक में थोड़ी ना चलेंगे। तो मैंने कहा बच्चों पे जुर्म ना करें काइंडली इसको। फिर उन्होंने मेरे बोलने की वजह से 1:20 मतलब 1:20 तक कर लिया, लेकिन उन्होंने फिर यही बात बोली कि भाई आगे वैसे भी यही महीना है, 2 महीने की छुट्टी मिल जानी है, फिर रेस्ट अपने बच्चों को अपने पास रेस्ट कराइएगा, फिर अगस्त से इंशाल्लाह हम लोग टाइमिंग 1 बजे कर लेंगे। तो भाई ये सारे मामलात देखने पड़ते हैं बच्चों के साथ। आजकल के बच्चे वीक हैं, मतलब खाने पीने में भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, अपनी पसंद की चीज़ हो तो खा लेते हैं, वरना ड्रामेबाजी करते हैं। हम लोग थे भाई छोटे, बचपन में जो चीज़ मिलती थी खा लेते थे, हर चीज़ का भी हमने ना नखरा किया ना ड्रामा, ना हम लोग को पता ही नहीं था कि भाई नखरे भी करते हैं कि मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं रहा, हम लोग माशाल्लाह हर चीज़ खा लेते थे। अपने बचपन की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। अभी तो बच्चों को पता है भाई ये नहीं खाएंगे तो मम्मा ये बना देगी, ये नहीं खाएंगे तो मम्मा बाहर से कुछ मंगवा देंगी। तो भाई अभी आजकल के बच्चे फ्री हुए हैं, तो इसलिए फिर जो है ना बच्चे बहुत खाने में चूजी हैं। मतलब फिर मैंने सर से यही बात बोली, मैंने बोला देखें आप सिर्फ पढ़ाई देख रहे हैं, हमें उनकी हेल्थ भी देखनी होती है, हर चीज़ देखनी होती है। तो एक मिनट, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी पड़ेगी, मैसेज आया है, मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। फ्रेंड की कॉल आ गई थी बीच में ही वीडियो के दौरान, और अभी हसनैन आया तो हानिया को लेके नहीं आया। मैं बोल हानिया क्यों नहीं लेके, मम्मा वो छुट्टी नहीं दे रही। अभी मैंने उसको वापस भेजा, मैंने कहा जाओ बेना को लेके आओ, अभी वो ले आए ना मिट्ठू। इस बेचारे को खाना भी नहीं डाला मैंने अभी तक। मिट्ठू क्या हो गया, मैं आपको चक ला रही हूँ, क्या दहशत गर्दों ने हमला कर दिया मिट्ठू आप पे? मिट्ठू मामा इधर, इसको पहले मैं टमाटर डाल दूं। टमाटर मेरे यहाँ किचन में ना इतनी गैस की यहाँ पर बदबू आ रही है, मेरी मशीन में से गैस लीक हो रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो भी यहाँ कल पानी पीना है, कह रहे इतनी तेज़ स्मेल आ रही। मैंने कहा जिस दिन फटेगा ना उस दिन तुम्हें समझ आएगा मेरी कीमत, तुम तो चाह ही रहे हो मेरी जान छूटे, इस गैस की मशीन को ठीक कर लो, नहीं तो ये धमाका, खुद ही कह रहे ना ये तो धमाका हो जाएगा। मैंने कहा तुम शुक्र करो कि धमाका होगा, जान छूटेगी तुम्हारी, इसको ठीक कर लो, मेहरबानी होगी। अभी भी गैस की इतनी तेज़ स्मेल आ रही, हालांकि सब कुछ बंद है चूल्हा वगैरह, अल्लाह खैर करे। इसको टमाटर काट के दे दूँ, ये लो मिट्ठू ले लो, वो देखो उसने उठा लिया। ओ खैर माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे खा रहा है, अभी भूखी लगी है मिट्ठू,
लो भाई, उस बेचारे से टूट ही नहीं रहा। चल खा ले, आराम से खा ले, आराम से खा लो, हम जा रहे हैं, सन आपको नज़र लग जाए। बाय बाय। बच्चे नहीं आए अभी तक यार। वालेकुम सलाम। कहाँ थी आप? बस दुआएं पढ़ा रहे थे। छुट्टी क्यों नहीं दे रही थी बाजी? भैया जानी आया था, आपका इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। मुझे भैया दिखाई नहीं दिया। ओके, बस फिर शुरू हो गए टक 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 मेरे सर में दर्द करने। आप भी पानी पियो, कूलर में ठंडा है, पी लो। शावर शहजादे इतना भाग भाग के आई चिचोदी। हसनैन आप खुद पी लो, वो जो है ना वॉशरूम गई। बच्चे आ गए हैं तो कुछ अभी खाने का बनाते हैं जल्दी से, शाम में टी टाइम वगैरह करते हैं। और कल ऐसे भी स्कूल की छुट्टी है तो आज हम होमवर्क नहीं करेंगे। अच्छा जी, यहाँ जो है ना आँच कम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो रहे हैं। मेरे बच्चों को जो है भूख लग रही है तो यहाँ मैं इनके लिए टोस्ट बना रही हूँ। बच्चों को भूख लग रही है शाम में तो मैं इनके लिए टोस्ट प्लस चाय। हाय 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 हाय, जली ना जाए बेचारे। चलें भी, यहाँ मैंने कुछ रेडी करके रखे हुए हैं। ये हमारा हो रहा है जी टी टाइम। बच्चों को क्या भूख लग रही है? मुझे उनसे ज़्यादा लग रही है। क्यों भाई, हम इंसान ही, हम नहीं खा सकते क्या? बिल्कुल खाएंगे। चाय तो मेरी पक गई है, इसको जस्ट अभी कप्स में डालना है। इस टाइम मोटू की वो बात याद आ रही है, खुशबू। चल भाई तू भी आ जा। चाय डाल दी है, ये मेरी और ये इन दोनों की। अंदर भाई दंगल शुरू हो गया पहले ही। एक्सक्यूज मी, सबर में चाय लेके आ। बस मोटू और मोटू, एक्सक्यूज मी, थोड़ा आप नज़दीक हो जाए। स्नैन चौड़ेगा नहीं, मैं तुमको चौड़ेगा नहीं। अगर किसी ने मेरे बेड पे ज़रा से भी कुछ गिराने की कोशिश की। चलो आप लोग खाओ, मैं अपनी लेके आती हूँ। Where is my tea? Oh my God! मैं चाय लिखूँ, मुझे सुकून मिले। ये सिर्फ चाय नहीं है, ये सुकून है, सुकून। चलो अभी मम्मा भी खाती है। थोड़ा रेड रेड हो ना तो मज़ा भी आए, जला हुआ। थैंक यू। वाह मज़ा आ गया। ऐसे चाय कौन पीता है, मेंशन करें। ऐसे हम पीते हैं। सुबह से बोर हो रही हूँ इतना, अभी जा रही हूँ थोड़ा वॉक के लिए। बच्चे मदरसे से आके मुझे छोड़ के फिर भाग गए आनी के घर में। बस उनका रोज़ का होता है, अभी वो 2 घंटे के लिए तो नहीं आएंगे। और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ तो मैं जा रही हूँ ज़रा वॉक करने के लिए, थोड़ा बहुत फ्रेश हवा ले लूँ, मौसम भी प्यारा हो रहा है तो थोड़ा वॉक करके आते हैं। यू नो कभी कभी कोई दिन होता है जो
कभी कभी कोई दिन होता है ना बहुत बोर गुजरता है, बहुत जिसे कहते हैं बंदा तंग हो जाता है, हर चीज़ चेक करनी पड़ती है, इवन के वॉशरूम का वाल भी, बाहर जाने के लिए बंदे को हर चीज़ चेक करनी पड़ती है, लाइट वाइट भी बंद करनी पड़ती है। जा रही हूँ पैदल पैदल, देखो अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। ये पार्क के बाहर आई हुई हूँ, ये अभी ये लोग कह रहे हैं पार्क बंद है, कोई भी नहीं है पार्क में, तो चलते हैं घर की तरफ। आई थिंक पार्क की टाइमिंग ये नहीं है, लेकिन मैं तो जस्ट वॉक के लिए आई थी तो मैं वॉक ही करूँगी, मुझे पार्क की ज़रूरत नहीं, मुझे पार्क में ऐसे भी नहीं था जाना, तो मैं जो है वॉक करते हुए घर चली जाऊँगी। काफ़ी दूर तक मैंने वॉक किया, तो मेरे लिए बस ये बहुत है वॉक के लिए, ये चक्कर मेरे लिए बहुत है। अभी मैं वापस हो गई हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ जाऊँ, काफ़ी लंबा चक्कर ले लिया मैंने। जंगल में आ गई हूँ, ये सामने जो है ना ये शौकत खानम हॉस्पिटल है, इमरान खान का कैंसर हॉस्पिटल, उस बेचारे को जेल में डाला हुआ, बहुत अच्छी। यहाँ मैं फुटपाथ पे चल रही हूँ, ये रहा हॉस्पिटल, रोड पे वीडियो बनाने लोग ऐसे देखते हैं जैसे दुनिया का आठवां अजूबा है, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं। अभी मैं बस काफ़ी लंबा रास्ता है घर को जा रही हूँ, वॉक करते हुए ही, और ख़ुद सारा दिन मोबाइल देख रहे थे लोग, लेकिन जैसे वो भाई वो किसी ने बनाई है तो तुम लोग देख रहे हो ना, वीडियो ना हो गई अजूबा हो गया। प्यारी हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम है, हर तरफ ठंडी हवा चल रही है, और मैं इतना चल गई हूँ, मुझे इतनी प्यास लग रही है, मैं पानी की बोतल लाना भूल, अजीब हरकतें हम लोगों की, वॉक करने आ रही हूँ पानी तक लेना भूल गई है, लो भाई मेरे काम चक्कर, बंदा वॉक करने जाते कम अज़ कम पानी की बोतल तो ले लेता है, अब मुझे सांस चढ़ गया, मेरे पास पानी नहीं है। चलो भाई खैरियत से घर पहुँच जाऊँ, फिर बाकी का देखते हैं। फिर फाइनली मैं घर आ गई हूँ, हाय अल्लाह इतना थक गई हूँ, तो बस चल चल के पागल हो गई, ओह इतनी प्यास लग रही है, पानी तो बस पानी ठंडा ठंडा पानी फिर से, ओह बहुत चली यार, मैंने बहुत बड़ा राउंड मारा है, अभी मैं पूरे की तो वीडियो बना नहीं सकती थी, बहरहाल ये कि मेरे लिए आज के लिए ये भी बहुत है, जल्दी से अभी थोड़ा जो है ना पानी वानी पी के रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये था जी आज का व्लॉग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूँगी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।